हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास एंड एवरेज एटॉमिक मास के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो मॉलिक्यूलर मास होता क्या है, ये और फॉर्मूला मास दोनों सेम चीज़ है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड का डिफरेंट है। अगर आप कोवलेंट कंपाउंड में बात करते हैं, कोवलेंट कंपाउंड में बात करते हैं तो मॉलिक्यूलर मास होगा, और आयोनिक कंपाउंड में बात करते हैं तो वो फॉर्मूला मास होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये मॉलिक्यूलर मास होता क्या था। वैसे तो लास्ट वीडियो में मैंने इसके लिए डिस्कस कर दिया था। तो बेटा ये देखो जरा, एटॉमिक मास बोलूं या फिर हम मॉलिक्यूलर मास बोले, ठीक है, एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास या फिर ये तीनों फॉर्मूला मास भी ले लो। यहाँ पर तीन टाइप के मास है। ये तीनों की तीनों एक एंटिटी या फिर एक एटम जो मॉलिक्यूल के बारे में बात करते हैं, एक एटम या फिर मॉलिक्यूल के बारे। कहने का मतलब ये है कि आपसे ये पूछा जाए कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, तो आप हाइड्रोजन के एक एटम का मास ही उसमें बताओगे। यस, सो देखो जैसे हाइड्रोजन का एक एटम का मास हो गया 1 AM, ठीक है। जैसे 1 से लेकर 20 तक आपको ये लर्न कर लेना है, तो हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना होगा 1 AMU। इसके बाद हीलियम होता है तो ये 4 AMU, ऐसे लिथियम होता है तो वो हो जाता है हमारा 7 AMU, जैसे कार्बन हो जाता है 12 AMU, है ना, नाइट्रोजन हो जाता है 14 AMU। अब होता क्या बेटा कि कुछ एलिमेंट जो होते हैं वो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करते। ऐसे कौन है, जैसे कि हमारे पास ऑक्सीजन है, हमारे पास नाइट्रोजन है, हमारे पास हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, तो ऐसे मॉलिक्यूल जो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब पहचानोगे कैसे, तो इनके नीचे में 2 लगा हुआ है, ये 2 लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है, Cl2, इस तरीके से ये क्या हुआ, इनके मॉलिक्यूलर फॉर्म हुए। जब दो या दो से ज़्यादा एटम कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूल बनते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल दो टाइप के होते हैं, होमो मॉलिक्यूल, हेट्रो मॉलिक्यूल, जिनको हमने पिछली वीडियोज़ में डिस्कस कर लिया, आप देख लेना उनको, ठीक है। जैसे ये O3 हो गया तो ये ओजोन हो गया, तो इनका हम मॉलिक्यूलर, अगेन मॉलिक्यूलर मास एक मॉलिक्यूल का मास ही होता है। तो जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के एक एटम का मास हमारे पास होता है ये देखो 16 AMU, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास कितना हो जाएगा, 16 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि 2 इसकी एटॉमिसिटी है, जो भी ये जो वैल्यूज है ना कंबाइनिंग एटम, इसको एटॉमिसिटी बोला जाता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के एटॉमिसिटी 2 होगी, तो आप जो इसका एटॉमिक मास है उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 32 AMU। जैसे नाइट्रोजन का हमने देखा कितना होता है बेटा, 14 होता है, तो 14 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 28 AMU। सिमिलरली हाइड्रोजन का हो जाएगा 2 AMU, है ना। क्लोरीन का हो जाएगा, क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है हमारे पास 35.5 AMU, है ना, तो ये हो गया क्लोरीन का। तो Cl2 मॉलिक्यूल का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 71 AMU, है ना। ओजोन का कितना हो जाएगा, 16 × 348 AMU। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि जो मॉलिक्यूलर मास होता है एक मॉलिक्यूल का मास होता है। अब यहाँ पे जो मॉलिक्यूल लिए, ये मैंने होमो मॉलिक्यूल लिए। कैसे लिया, ये होमो मॉलिक्यूल लिए। होमो मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें जो कंबाइनिंग एटम होता है वो सेम होता है। जैसे कि ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल है ये होमो मॉलिक्यूल के। अब यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल ले लेता हूँ जिसमें हेट्रो मॉलिक्यूल ले लेते हैं। हेट्रो मॉलिक्यूल में जो कंबाइनिंग एटम है बेटा वो अलग अलग होते हैं। जैसे कि सबसे छोटा एग्जाम्पल की बात करूँ तो CH4 है, 5 एटम है, 2 अलग अलग टाइप के एटम कंबाइन होके ये मॉलिक्यूल है। अभी तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए ये तो कंपाउंड नहीं होता है क्या। देखो कंपाउंड ना, हेट्रो मॉलिक्यूल को हम जनरली जो कंपाउंड पढ़ते हैं, और होमो मॉलिक्यूल को आप नॉर्मली मॉलिक्यूल ही बोलते हो। तो ये भी एक मॉलिक्यूल है, दैट इज हेट्रो मॉलिक्यूल या फिर और कंपाउंड। और भी जैसे एग्जाम्पल हो गया, जैसे वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, HCl हो गया, है ना, H2SO4 हो गया, ये सब क्या है, ये सब क्या है, हेट्रो मॉलिक्यूल है। तो इनका मास कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास, अगेन फिर से मैं बोल दूँ, मॉलिक्यूलर मास जो होता है एक मॉलिक्यूल का मास होता है ना। यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पर अगर मैं लिखना चाहूँ कि एटॉमिक मास हो गया 1 एटम, 1 एटम का मास, एंड मॉलिक्यूलर मास एक मॉलिक्यूल का मास, ठीक है। मॉलिक्यूल चाहे वो होमो मॉलिक्यूल हो चाहे वो हेट्रो मॉलिक्यूल हो, इससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। देखो CH4 का मास कितना हो जाएगा, कार्बन का होता है 12,
प्लस 4 इंटू 1 कर दो क्योंकि 4 हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन का कितना होता है एटॉमिक मास 1 amu, तो कितना हो गया 12 प्लस 4 दैट इज 16 amu हो गया, ये हो गया हमारा 16 amu। ऐसे ही हम हाइड्रोजन वाटर का देख लेंगे तो 2 इंटू 1 ये दो हाइड्रोजन के लिए 2 इंटू 1 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है तो ये टोटल हो गया 18 amu। इसी तरीके से CO2 का हो जाएगा देखो 12 प्लस में 2 इंटू 16 ये हो जाएगा हमारा 44 amu। अगेन HCl का कितना हो जाएगा 1 प्लस में ये होता है 35.5 तो ये होगा 36.5 amu। और H2SO4 मीटर देखो तीन अलग अलग एलिमेंट है तो दो हाइड्रोजन के लिए 2 इंटू 1, एक सल्फर के लिए 32 और चार ऑक्सीजन के लिए 4 इंटू 16 तो इतना हो गया 98 amu। तो आप देख रहे हो मॉलिक्यूलर मास हमें समझ में आ गया। मॉलिक्यूलर मास होता है एक मॉलिक्यूल का मास और मॉलिक्यूल आपका होमो मॉलिक्यूल होगा या फिर हेट्रो मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। तो बेसिकली देखो यहाँ पर जो ना जितने भी ये जो कंपाउंड है बेटा ये वाले ये मॉलिक्यूल या तो ये वाले हो या तो ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल है। कैसे मॉलिक्यूल है? कोवेलेंट मॉलिक्यूल है। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो बॉन्ड बना हुआ है वो कोवेलेंट नेचर का है। 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा कोवेलेंट बॉन्ड कौन से होते हैं, ऐसे बॉन्ड जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है, ठीक है। ओके अब जरा आगे बढ़ते हैं ना तो फार्मूला मास। अब देखो फार्मूला मास मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया आयोनिक कंपाउंड का मास होता है, ठीक है। आयोनिक कंपाउंड कौन होते हैं? यूजुअली जो सॉल्ट्स होते हैं वो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है ना। जैसे यहीं पर एग्जांपल ले लेता हूँ मैं कुछ आयोनिक कंपाउंड के, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया NaCl आपने पढ़ा होगा, तो ये एक आयोनिक कंपाउंड है तो इसका जो है अगर मास हम निकालना चाहे तो ये क्या हो जाएगा, सोडियम का होता है 23 और क्लोरीन का 35.5 तो टोटल हो गया 58.5 amu। अभी भी यूनिट यही है, पहले यूनिट में कुछ फर्क नहीं आना, amu ही रहेगा क्योंकि हम एक मॉलिक्यूल के मास की बात कर रहे हैं, ठीक है। दैट इज मॉलिक्यूलर मास, वो बात अलग है एटम का देख रहे हैं या मॉलिक्यूल का देख रहे हैं या फिर आयोनिक कंपाउंड का देख रहे हैं, ठीक है। आपने कैल्शियम कार्बोनेट का नाम सुना होगा, कैल्शियम का देखो 40 होता है, कार्बन का हो जाएगा 12 और तीन ऑक्सीजन है तो 3 इंटू 16 आपका ये हो गया 100 amu, है ना। ऐसे ही आप सोडियम सल्फेट का एग्जांपल ले लो Na2SO4 तो ये देखो 2 इंटू 23 और सोडियम का 23 और दो सोडियम है और प्लस में सल्फर का होता है 32 और ऑक्सीजन का 4 इंटू 16 तो देखो कितना हो गया 46 प्लस 32 प्लस में 64, है ना। ये इस तरीके से हमारे पास आ गए, इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 46 प्लस में 96 इक्वल्स टू 142 amu। तो क्लियर ना, तो बहुत सिंपल सी चीज़ है कि आपको फार्मूला मास होता क्या। फार्मूला मास जस्ट अ मॉलिक्यूलर मास ऑफ आयोनिक कंपाउंड, और सिंपल जब मैं मॉलिक्यूलर मास बोलूंगा तो वो कोवेलेंट कंपाउंड के लिए होता है, बात एक ही है, ठीक है। आपके NCERT में एक टॉपिक दिया हुआ है दैट इज फार्मूला मास। अब आते हैं इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज एवरेज एटॉमिक मास। तो देखो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसको आप नोट कर लेना। देखो एवरेज एटॉमिक मास का जो फॉर्मूला होता है, एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला होता है, ठीक है, समेशन या फिर सम ऑफ एटॉमिक मास इनटू इसका परसेंटेज अबंडेंस या फिर नेचुरल अबंडेंस। इसका मतलब क्या है, इस चीज को पहले मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। एवरेज एटॉमिक मास आप निकालते कब? सबसे पहली बात, एवरेज एटॉमिक मास निकालते हो जब एटम के एक से ज्यादा आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं, आइसोटोप्स के केस में आप निकालते हो। इसका क्या मतलब है, तो आइसोटोप वाली वीडियो आप समझ लो कि ऐसे एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर डिफरेंट हो इनको आइसोटोप बोला जाता है। एग्जांपल के तौर पे देखो हमारे पास क्लोरीन है, क्लोरीन के दो आइसोटोप है बेटा 1735 1737। तो ये देखो ये एक आइसोटोप है, एक ये आइसोटोप है Cl35 एंड Cl37। चलो बढ़िया,
एकदम। ये देखो इसका जो नेचुरल अबंडेंस होता है वो 75% होता है, ये 25% है। ये आपको अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो ये परसेंटेज आपको गिवन होती है, आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे देखो ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन के दो आइसोटोप होते हैं, एक ब्रोमीन 79, ब्रोमीन 81, तो दोनों का परसेंटेज अबंडेंस 50-50%। ये सबसे पहले ये अबंडेंस होता क्या, देखो आपको जैसे कि एक क्लोरीन का एक एटम मिला है फॉर एग्जांपल, तो परसेंटेज अबंडेंस का मतलब ये है कि कितना परसेंट चांसेस है कि क्लोरीन 35 है या क्लोरीन 37 है। जैसे आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ा हुआ है ना, तो कुछ कुछ वैसा ही है। तो जैसे क्लोरीन में 75% चांस होता है कि वो 37 होता है और 25% चांस होता है कि वो 35 होगा। ब्रोमीन में 50-50% चांसेस होते हैं। ऐसे ही अलग अलग होता है, जैसे कार्बन हो गया, नाइट्रोजन का भी आइसोटोप होता है, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं, सब में इनका जो नेचुरल अबंडेंस होता है मेंशन रहेगा आपको जब भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। जैसे ये क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, अभी हमने जो पढ़ रखा है क्लोरीन का मास तो 35.5 होता है, तो 35.5 ना तो इसका होता है ना ही इसका होता है, इन दोनों का एवरेज होता है। तो ध्यान देना कैसे निकालेंगे, एवरेज एटॉमिक मास इक्वल, मैंने क्या बोला एटॉमिक मास, जैसे कि 37 एटॉमिक मास हो गया और इसका नेचुरल अबंडेंस 75%, तो 75/100 प्लस ये दूसरा वाला ले लो 35 इनटू में इसका नेचुरल अबंडेंस, तो 25/100। ये इसको काट दो, ये 3 4 पे गया, 1 4 ये हो गया, देखो 37 × 3/4 प्लस 35/4, इसको सॉल्व करेंगे 4 एलसीएम आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम आ जाएगा ये प्लस में 35, तो ये हो गया हमारा 146/4 और इसको सॉल्व करेंगे तो 35.5 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये देखो क्लोरीन का हम क्या पढ़ते हैं 35.5, आप ना जो भी एटॉमिक मास पढ़ते हो वो एवरेज एटॉमिक मास पढ़ते हो, ठीक है, आप एकदम आइसोटोप्स का नहीं पढ़ते, ठीक है ना। जैसे ब्रोमीन के केस में देखे, आओ यहाँ पे देखो इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे कैसे निकलेगा, यहाँ पे ध्यान से देखो, तो 81 इसका मास नंबर हो गया और इसका परसेंटेज 50/100 प्लस 79 × में 50/100, दोनों को ऐसे ही कर देंगे 1/2, 81/2 प्लस में 79/2, ये कट जाएगा ना 52 जाओ, तो 2 LCM आ गया, 81 प्लस में 79 और 160/2 और 60 आ गया। तो हम जो पढ़ते हैं ना बेटा वो 80 हम जो पढ़ते हैं ना वो ब्रोमीन का, आप देख लेना पीरियोडिक टेबल में वो 80 गिवन रहता है, वो भी एवरेज एटॉमिक मास होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने देखा मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास, एटॉमिक मास भी देख ही लिया, और एक मेन एवरेज एटॉमिक मास, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो होपफुली आपको वीडियो समझ में आ गया। थैंक यू सो मच।